ट्रेन के बाहर मुसाफिरों का हंगामा बता रहा है कि यहाँ कोई वारदात हुई है। दरअसल ये हंगामा शुरू हुआ ट्रेन के एक विकलांगों के कंपार्टमेंट से। बिजनौर लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में एक सिपाही पर आरोप लगे हैं कि उसने एक महिला के साथ रेप किया है। व्यवसायी भीड़ का कहना है कि सिपाही को तुरंत निलंबित किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो लड़की बिल्कुल बेहोश थी, उसे अपने सुदरवाल का बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके हाथ में उसमें मार रखे थे। पुलिस वाला अच्छा खासा था, उसके कपड़े नमके थे, पैंट उसकी तुड़ी हुई थी, मतलब बाथरूम में पैंट उतार के मतलब मैंने पहन के वो जबरदस्ती भागा और उसकी सैंडल भी तुड़ी हुई थी, वर्दी नहीं पहनी। वो जीआरपी का जो सिपाही था वो नंगा था बिल्कुल, पैंट उतरी हुई थी उसकी, कमीज पहन रखी थी। अच्छा। तो वो लड़की रो रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर पुलिस वाले जितने भी वो पैसेंजर थे उन्होंने दरवाजे सामने निकाला। गुस्साई भीड़ ने जीआरपी पुलिस कर्मी की जमकर पिटाई भी की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपी पुलिस कर्मी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। वो बीमार थी तो हमने कहा भाई उसमें बैठे, महिला वाले में भीड़ थी तो उसके बाद हमने कहा आप उसमें बैठ जाओ विकलांग वाले में। अब वो विकलांग वाले में बैठ गई तो उसके बाद फिर जो है जब विकलांग वाले में बैठ गई फिर उसके बाद गार्ड आया, ऐसे देखा फिर बोला हाँ भाई कैसे ये लेटे हैं कैसे आप। हमने कहा भैया ये बीमार है आप देख लो, फिर आप गेट खोलिए आप कैसे ये कर रहे थे। और पब्लिक बैठने आ रही थी, कह रहे अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या, इतने फिर हंगामा कर दिए थी इतनी। इस मामले में जब पुलिस के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि लड़की अभी डरी हुई है, उसके बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो सिपाही हैं इनको वहां पर जीआरपी चौकी में वहां बिजनौर में इनको डिटेन किया गया है और महिला इस समय हॉस्पिटल में जिला अस्पताल बिजनौर में एडमिट हैं। इनको जीआरपी की पुलिस भी वहाँ लगी हुई है, एसपी जीआरपी मुरादाबाद भी आ रहे हैं इस समय। इसमें महिला अभी थोड़ी घबराई हुई है, भीड़ और पुलिस देख करके घबराई हुई है, तो जैसे ही वो बयान देने की स्थिति में आती है वो बताया जाएगा।